What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. एकदम क्विक और इजी सूप की रेसिपी आपको बता रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्दी एंड सुपर डिलिशियस. अब ठंडियों के मौसम में सूप्स पीने का मन होता है और ब्रोकली और आमंड का सूप बहुत डिलिशियस बनता है. अब ये सूप की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको कोई वो मैदे और बटर को मिला के रू नहीं बनाना है, दूध नहीं ऐड करना है, साथ ही में कोई क्रीम नहीं ऐड करनी है और ये रेसिपी वीगन है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेसिपी. और बहुत सिंपल तरीके से बनती है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है. एंड यू लव दिस सूप ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है. अब देखते हैं कि क्विक तरीके से ये ब्रोकली और आमंड सूप डिलिशियस वाला बनता कैसे है. एक बर्तन ले लीजिए, अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दीजिए. आप दूसरा भी कोई ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं. तेल एक बार हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें 1 roughly chopped प्याज, 5 से 6 कलियां गार्लिक की और 2 स्टॉक्स यहाँ पर रफली चॉप्ड सेलरी ऐड कर रहा हूँ. सेलरी की जगह पे आप धनिये के डंठल भी ऐड कर सकते हैं. ये सारी चीज़ों को स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको पका लेना है. एक बार आपने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है तब इसमें 1 लीटर गर्म पानी ऐड करना है. पानी ऐड करते ही इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए. 18 से 20 रफली चॉप्ड बादाम ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर करके इस पानी को एक रोरिंग बॉयल पे ले आइए. पानी एक बार आपका रोरिंग बॉयल पे आ जाए तब इसमें 250 ग्राम साफ की हुई धोई हुई ब्रोकली ऐड कर देनी है. ब्रोकली को मैंने फ्लोरेट्स में कट कर लिया था रफली. ब्रोकली ऐड करने के बाद इसे आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है. 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन को निकाल लेना है. ब्रोकली को चेक कर लेना है, एक नाइफ को इस तरीके से ब्रोकली के थ्रू कट करना है. इजीली आपकी ब्रोकली जो है वो कट हो जानी चाहिए. तो ब्रोकली हमारी पक चुकी है. इस स्टेज पर गैस को बंद करके इस मिक्सर को आपको छान लेना है. छानते वक्त ध्यान देना है कि पानी आपको कलेक्ट करना है, जो स्टॉक है आपको कलेक्ट करना है. इसमें सारा फ्लेवर है, ये स्टॉक को बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, पूरा का पूरा स्टॉक इसी सूप के अंदर हम यूज़ कर लेंगे. अब दोनों चीज़ों को आपको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है. तो आपने देखा क्विक प्रोसेस है, एकदम रफली चॉप्ड वेजीज हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बस एक साथ 5 से 6 मिनट के लिए आपको बस पकानी है. बस एक चीज़ का ध्यान देना है, ब्रोकली डालने से पहले ना पानी को एक रोरिंग बॉयल पे ले आइए कि ब्रोकली जो है अपना कलर रिटेन करके रखेगी, बहुत जल्दी से पेल नहीं हो जाएगी, वो ग्रीन जो कलर हमें चाहिए सूप के अंदर वो मेंटेन रहेगा. तो इस तरीके से आपने एक बार मिक्सचर को ठंडा कर लिया है, इसे हमें ग्राइंड करना है. और ग्राइंड करने के बाद इसका प्रोसेस उतना ही सिंपल है जितना अभी तक भी था. तो एक बार ब्रोकली हमारी ठंडी हो जाए, स्टॉक हमारा ठंडा हो जाए, आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं. एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में जो ब्रोकली का मिक्सचर था, जो वेजीज थी हमारी, उसे ऐड कर दीजिए. साथ ही में इसमें थोड़ा सा जो हमारा स्टॉक था वो स्टॉक भी ऐड कर देना है. अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से एकदम फाइन तरीके से ग्राइंड कर लेना है एक साथ. तो आप देख सकते हो मैंने इसे ग्राइंड किया है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थिक है. थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करके फिर से इसको ग्राइंड कर रहा हूँ कि एकदम फाइन कंसिस्टेंसी में इसे हम पीस पाए. तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है. इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितनी फाइन हो गई है. अब आपको फिर से एक बर्तन ले लेना है. इस बर्तन में इस मिक्सचर को छान कर ऐड करना है कि वो एकदम सिल्की स्मूथ क्रीमी टेक्सचर आपको मिल जाए. तो बस इसको छान लीजिए अच्छे से. आप देखेंगे छन्नी में बचेगा कुछ नहीं अगर आपने अच्छे से ग्राइंड किया है तो. खाली जो बादाम के छिलके हैं ना वो निकल जाएंगे अगर कुछ रह गए हैं तो. तो आप देख सकते हो अच्छे से इसको मैंने छान कर ऐड कर दिया है. अब आपको गैस को चालू कर देना है. गैस को चालू करने के बाद इसको अच्छे से स्टर करके देख लेना इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी थिक है. तो इसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ स्टॉक था वो स्टॉक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि सूप की कंसिस्टेंसी हल्की सी पतली हो जाए. सूप की कंसिस्टेंसी हमारी इतनी अच्छी है कि कोई कॉर्नस्टार्च स्लरी वगैरह डालने की भी इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली, आपकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए तो ये सूप को एक सिमर पे ले आइए. एक बार आपका सूप सिमर पे आ जाए तब इसको आपको टेस्ट कर लेना है. टेस्ट करके इसकी सीजनिंग एडजस्ट कर लेनी है. तो यहाँ पर इसमें सीजनिंग के लिए टेस्ट के हिसाब से नमक और टेस्ट के हिसाब से फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च मैंने ऐड कर दिया है. अच्छे से आपको स्टर कर लेना है. स्टर करने के बाद फिर से इसको टेस्ट कर लीजिए कि सीजनिंग बराबर है. एकदम परफेक्ट डिलिशियस हमारा सूप बन गया है. इसे अभी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल.
तो एकदम सुपर क्विक, एकदम सुपर हेल्दी और सुपर डिलिशियस ये सूप की रेसिपी आपने देखा कितनी फटाफट बन गई, इसलिए वीडियो भी बहुत छोटा सा बना है। तो ज़रूर ट्राई करो इस ठंड के सीज़न में, या जब भी आपको सूप पीने का मन हो, ये ब्रोकली आमंड सूप बनाई है एंड इट टर्न्स आउट टू बी रियली गुड। वो आमंड्स की वजह से वो क्रीमीनेस आ जाती है, इसके लिए आपको वो क्रीम या दूध या कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गार्निश के लिए आप कोकोनट क्रीम या आमंड मिल्क यूज़ कर सकते हो, या थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ इसे गार्निश कर लो, थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर या थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ऊपर डाल सकते हो, क्रूटॉन्स के साथ सर्व कर सकते हो, या जैसे भी आपको खाना है इसे खाओ। बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत डिलिशियस बनती है। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम।